शानगढ़ की जादुई सुबह में फूलों का महकना, पक्षियों का चहकना और मुसाफिरों का टहलना शामिल होता है। पर वो कहते हैं ना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो इस सुंदर सी जगह को हमने अलविदा कहा और निकल चले सेंज वैली के दूसरे गांव की ओर। रास्ता बेहद खूबसूरत और पल पल लगे कि बस यहीं थम लिया जाए। पर मंजिल किसी जन्नत से कम नहीं थी। स्वागत है द्योरी विलेज में। ये गांव हमारी उम्मीदों से काफी ज्यादा कमाल निकला। यहां की सुंदर पगडंडियों से निकलकर हम चले एक छोटे से ट्रैक पर। ये रास्ता ले चलता है हमें एक बड़ी सी विचित्र लेक की तरफ। हेलो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं पुंडरिक लेक, और इसका रास्ता तो आपने देख ही रहे होंगे। अच्छा रास्ता, मतलब गांव के बीच में से निकलते हुए कहा जाता है आधे घंटे का रास्ता। बाकी होमस्टे के बहुत ऑप्शन है। हाँ, यहाँ पे काफ़ी होमस्टे का ऑप्शन है, दुकानें भी काफ़ी हैं, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि बिल्कुल ही अलग थलग है। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नहीं, अभी तक तो मस्त ट्राई कर। झूठ बोले सास बात बोल। स्वागत है पुंडरिक ऋषि लेक पर। ये कोई आम सी लेक नहीं है, इसकी कहानी सुनिए मेरी जबानी। हेलो दोस्तों, जगह ऐसी लग रही है ना भाई। कह रहा मैं हेलो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ। एक छोटा बच्चा है, ऐसी जगह लग रही है ना बाहर एकदम। तो इस लेक की थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे हम लोग। ये लेक पुंडरिक ऋषि लेक है, और यहाँ पे मतलब पुंडरिक ऋषि थे। यहाँ पे उन्होंने किसी को श्राप वगैरह दिया था, और कुछ इस तरीके से कहानी है इसकी। तो ये लेक पूरी सूखी हुई है, और मतलब हर वेदर में ये या तो ग्रीन होती है, कभी यहाँ पे फूल उगे होते हैं, और बर्फ़ में यहाँ पे तो पूरी बर्फ़ होती है। बट कभी पानी नहीं होता। कभी पानी नहीं होता, हाँ, सूखी हुई है। तो काफ़ी लोग हमें मिले जो कि बिना इन्फॉर्मेशन के आए थे। एक्चुअली वो कहते हैं कि आगे यहाँ तो लेक सूखी हुई है। मतलब भाई वो तो ऑब्वियस सूखी हुई है। एक बार व्यू दिखा देते हैं। वो व्यू ड्रोन व्यू में देखो। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस लेक के दूसरे किनारे भी एक सैर लेकर आते हैं। मेरे पीछे लेक की दूसरी साइड है, और वो मानो लगे कि कैलेंडर में छपी एक सीनरी का मजा ले रहे हैं। सुंदरता से भरपूर ये दूसरा किनारा और उसके नजदीक बसा अपर नाही गांव। यहाँ के पुराने घर इस जगह की खासियत हैं, और इस गांव की तरह यहाँ के लोग भी बेहद खूबसूरत हैं।
आइए मीडिया विहान से। हम यहाँ से चल के लेक की दूसरी साइड पे आए थे। बहुत अच्छा ब्यूटीफुल व्यू, दूसरी साइड बहुत प्यारी है। और यहाँ पे हमें कुछ लोग भी मिले, वो यहाँ पे घास तोड़ रहे थे अपने जानवरों के लिए। और एक ऑब्जर्वेशन और, यहाँ के जो लोकल्स बंदे हैं, मतलब बेसिकली जो गर्ल्स हैं, मतलब ऐसे ओपन अप होते हैं कि जैसे आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हो, बट आप दिल्ली के अंदर किसी से पूछोगे ना, वो नहीं करेंगे कभी यार, वो भाव खा जाएगी। इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पर। अभी हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हम यहीं पे ही आज रुकने वाले, स्टे लेने वाले, क्योंकि घर जाके भी फायदा नहीं। मतलब अच्छा है, मतलब वर्थ आने की आपको भी। वर्थ, हम पहले सोच रहे थे जाएं घर चले जाएं, पर घर जाना तो बेवकूफ़ वाला डिसीजन था। यहाँ पे किसी चीज़ की आवाज़ नहीं, किसी भी चीज़ की। मतलब यहाँ पे पूरे लेक के अलॉन्ग साइड सिर्फ एक घर है, एक मंदिर। इसकी जगह बड़ी प्यारी सी, यहाँ पर हर जगह तितली तितलियाँ उड़ती रहती हैं सफ़ेद रंग की। वो लोग जो हमारे पीछे आते हैं वो चले गए। ये देखो, ये मंदिर की बात करूँगा, उतरते समय कानों को एक आवाज सुनाई देने लगी और चौक पर जाकर पता चला कि समय था आरती का। यहां ये बच्चे ट्रम्पेट बजा रहे थे, बड़ा ही प्यारा दृश्य था। नज़दीक में ही चंद्रलोक कैफे है, वहाँ का खाना बेहद लजीज है और खेत में बैठकर खाना, वाह क्या सीन है। अभी वी आर गोइंग टू सनसेट पॉइंट, जो कि हमारे होटल से कहा जा रहा है कि 5 मिनट दूरी पर है। बाकी देखो, हम निकल चले उसे ढूंढने, कभी यहाँ गए कभी वहाँ गए, पर हमें ठीक रास्ता तो नहीं मिला, पर मिले दो क्यूट से डॉगी। वाइट वाला तो हमारे पीछे पीछे आते आते होमस्टे तक आ गया और वहीं गेट पर ही सो गया। शाम ढल चुकी थी और थोड़ा वक्त हमने फोन की दुनिया से बेहद दूर बच्चों को खेलते देखा। मेस्मराइजिंग व्यू था वो। और इसी बीच कैद किया एक अद्भुत नजारा सितारों का। हैव अ लुक। इसी के साथ हमने आराम किया और सुबह उठे बहुत सी तितलियों और पक्षियों के बीच। भैया ने कुछ इंटरेस्टिंग ट्रैक्स बताए जो कि यहाँ से शुरू होते हैं। अगली बार के लिए वो हम छोड़ के जा रहे हैं ताकि कुछ बहाना रह जाए। और फिर क्या कैंप लगाएंगे वहाँ पे? हेलो, यहाँ हम एक गांव में हैं और बहुत सुंदर गांव है। यहाँ हमारे पीछे पूरा का पूरा खेती खेत खेती खेत है और बस हम यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं। सोचा यहाँ पे एक बार अपडेट तो दे दिया जाए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ पे, जो सर्दियों के अंदर आना चाहिए
मतलब बहुत अच्छे विंटर्स के अंदर और स्नोफॉल अच्छा होता है यहाँ पे। सर्दियों के अंदर ही आएंगे दिसंबर में। यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे दो तीन ट्रैक और है। सबसे अच्छा कौन सा था वो ट्रैक? कोई रास्ता नहीं है, हम तो लोकल खुद पूछते हैं और कुछ मिला नहीं। अब वक्त था देवरी विलेज को अलविदा कहने का। सेंज वैली ने हमें कुछ ऐसे गांवों का अनुभव कराया जहां सुकून और शांति ही यहां का गहना है, और इस बेशकीमती गहने को मन में बसाकर दिल्ली लेकर जा रहे हैं। साइनिंग ऑफ कलाकार। ऐसी जगह घूम चुका हूं, वी कर दो, वी ऐसे करो, वी ऐसे करो। दो बाय बाय कर दो, सब बाय कर दो, बाय कर दो सबको। हेलो, अभी कह रहे हेलो गाइस, मैं जा रहा हूँ। करते हेलो, हेलो करते सब, ए ये इसमें करते, इसमें करो, बोलते हेलो करते, हेलो गाइस, हेलो गाइस, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, सब्सक्राइब द चैनल। चलो दे दो अभी इनको, चलो सबको बाय, हेलो कर दो, हेलो करो, हेलो कर दो, बाय बाय गोलू, बाय बाय गोलू, बाय गोलू गोलू नाम है ना।